तो आज हम दलितों पे और बहुजन समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, ये जो संविधान बदलने की बात करते हैं, तो इन मनुवादी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लाख कोशिश कर ले, आपकी 100 पीढ़ी भी ये संविधान को नहीं बदल सकते। हम बहुजन समाजों पे ये दिन वापस नहीं आएंगे कि गले में मटका और कमर पे झाड़ू लगेगा। आज मैं अकेला गले में मटका और कमर में झाड़ू बांध के इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुजन समाज ये जागे और उनको समझे कि ये दिन वापस ना आए, और उसके लिए वो हर एक संभव कोशिश करते रहेंगे। अगर ईमानदारी से हर एक घर का एक बंदा भी अगर संविधान को बचाने के लिए और अपने हक की लड़ाई के लिए अगर आगे आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना शासक वर्ग बनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज भी हमारे पास मौका है, जाग जाओ। जिस दिन हमें यहाँ पे ये परिस्थिति आएंगी, उस दिन हमें बहुत लेट हो जाएगा, हम काफ़ी दूर चले जाएंगे और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मौका है, जाग जाओ। जय हिंद, जय भारत।